गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ वापस आई हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये ड्रेस कलेक्शन का वीडियो है। किसी ने मुझसे कहा था कि आप अपनी सारी ड्रेस कलेक्शन दिखाइएगा, तो मैंने सोचा अगर ड्रेस कलेक्शन दिखाना है और वो भी मैं महाराष्ट्रियन गर्ल हूँ और एक मराठी गर्ल के पास साड़ी से अच्छा कलेक्शन क्या हो सकता है। तो वैसे तो मैं मराठी गर्ल भी हूँ और साथ ही साथ एक मैरिड गर्ल हूँ, तो इसीलिए मेरे पास ड्रेस कलेक्शन में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा कलेक्शन साड़ियों का है। तो मैंने सोचा कि ड्रेस कलेक्शन का वीडियो जो है वो हम साड़ी से स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से मैं आज आपको अपने साड़ी का कलेक्शन दिखा रही हूँ और वो भी मैं अपने साड़ियों का जो कलेक्शन है वो मैं आपको 3 स्टेप्स में दिखाऊंगी, यानी कि 3 वीडियोज़ में दिखाऊंगी। तो फर्स्ट वीडियो में मैं जो आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ मैं आपको वो सारी पार्टी वियर साड़ियाँ दिखाऊंगी। उसके बाद मैं सेकंड वीडियो में जो दिखाऊंगी उसमें मैं आपको सारी पैठनी जो मराठी साड़ीज होते हैं पैठनी साड़ी तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। उसके बाद में जो लास्ट वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको सारे सिंपल साड़ीज दिखाऊंगी और साथ ही में मेरे पास कुछ 2 लाचा है तो वो भी उसमें दिखा दूंगी मैं। तो ऐसा 3 होगा। उसके बाद में फिर हम सेकंड वीडियो बनाते जाएंगे, जैसे कि उसके बाद में फिर मैं कुर्ती वाला बनाऊंगी, जो भी मेरे पास कुर्ती होंगी मैं वो दिखाऊंगी उसमें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ में उसके बाजू में जो बेल आइकन है आप उसे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए है, कौन से टॉपिक पे चाहिए है। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो साड़ी है जो मैंने वर्ड सावित्री में पहनी थी, जैसे कुछ बहुत से लोगों ने देखी होगी, तो वो वाली साड़ी है। तो ये इस कलर में है, पिंकिश कलर में है, पिंकिश एंड क्रीमिश कलर में, होप यू गाइस कैन सी। तो ये इस साइड में है, तो ये 2 शेड में है, एक ये है पिंकिश गोल्डन और यहाँ पे पूरी गोल्डन कलर में है। तो मैं आपको इसे हल्का सा ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये इस टाइप में है, ये इसका प्लिट्स एरिया है और ये इसका जो है ये पल्लू का एरिया है इसका। तो ये इस टाइप में आती है ये साड़ी। तो जो इसकी जो पिक्चर है वो मैं इसके बाद में ऐड कर दूंगी। तो इस टाइप में ये मेरी साड़ी है। तो इसकी प्राइस थी 4000 समथिंग थी। तो ये मैंने लास्ट दिवाली में खरीदी थी और उसके ऊपर का जो ब्लाउज है ये मैंने खुद ही स्टिच किया है, एकदम सिंपल सा ब्लाउज है, मुझे एकदम सिंपल नेक पसंद आते हैं ब्लाउज में। तो ये इस टाइप में है, कफ्स लगे हैं आगे में और यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल लग रहा था ये, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्की सी एक लेस लगा दी है। सेम एज बैक में भी मैंने उसी तरह से लेस लगा दी है और ऑब्वियसली ये लटकन्स लगाए हैं एक डोर के साथ में। तो ये थी पहली साड़ी। उसके बाद में जो सेकंड साड़ी है, तो बाद में जो सेकंड साड़ी है वो ये है, जो मैंने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन ब्लॉग में पहनी थी। तो ये एक लाचा साड़ी है, ये इसका पल्लू का एरिया है, ये इसका प्लिट्स का एरिया है और ये जो पर्पल है ये इसका ये साइड एरिया है। तो मैं आपको हल्का सा ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये रहा पल्लू का, ये इस टाइप में है इसका पल्लू और ये इसका साइड एरिया है, जो हम फर्स्ट जो लगाते हैं एक राउंड वो वाला एरिया है ये। उसके बाद में जो प्लिट्स है ये ऑलरेडी बने हुए हैं, इस पैच के साथ ये अटैच्ड है। इस टाइप में है ये सारी। तो ये काफी साल पहले मेरे मॉम ने मुझे गिफ्ट की थी। तो इसकी प्राइस कुछ 5000 समथिंग थी। तो हमारे यहाँ मॉम लोग शादी के पहले बहुत सी साड़ियाँ खरीद के रखते हैं बेटी के लिए और उसके बाद में जब बेटी की शादी होती है तब बेटी को गिफ्ट करते हैं। तो उसी में से ये एक है, ऐसी बहुत सी साड़ियाँ होगी जो मैं कहूँगी मेरी मॉम ने दिए हैं। उसके ऊपर का ब्लाउज है वो एकदम सिंपल है, इस टाइप में है ये। जो बैक नेक भी है इसका वो भी एकदम सिंपल है। इस टाइप में है। तो ये हुई हमारी सेकंड साड़ी।
उसके बाद में है थर्ड साड़ी, तो मैं हैंगर के साथ ही उठा के लाई हूँ। ये है थर्ड साड़ी रेड कलर की, ये भी आपने बेबी किसी ब्लॉग में देखा होगा। तो ये इस टाइप में है, ये पूरी एक ही कलर में साड़ी है। ये साड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, ये 3500 रुपीज़ की कुछ साड़ी थी ये। तो ये जो है ये इसका पल्लू है, इस तरह से ये इसका पल्लू है, और पूरी साड़ी ये सेम ही है अंदर से भी। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस है और लेस लगी है इसके ऊपर। तो उसका ब्लाउज है वो भी एकदम सिंपल सा ही है, बैठने का सिंपल सा। ये डोर लगाई है, इसकी लटकन टूट चुके हैं, बहुत पुरानी साड़ी है ये, इस टाइप में है ये। इसकी जो हुक्स है वो मैंने सामने से सिलाए थे, सामने से सिलाए थे मैंने इसके हुक्स। उसके बाद में जो साड़ी आती है हमारी फोर्थ साड़ी है, वो ये साड़ी है। तो वैसे तो मैं ऐसे कड़क साड़ियाँ पहनती नहीं, लेकिन इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस वजह से ये रखा है मुझे। ये मेरी बेटी का जब फर्स्ट बर्थडे था तब किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मुझे ये अच्छा लग गया कलर, तो मैंने ये यूज़ के लिए निकाल ली है। तो ये इस टाइप में इसका पल्लू है, और पूरा पूरी साड़ी इसकी सेम ही है, उसी पैटर्न में है अंदर से भी। तो ये गिफ्ट है तो ऑब्वियसली मुझे इसका प्राइस नहीं पता है, तो इस टाइप में है ये। और इसका भी ब्लाउज मैंने खुद ही स्टिच किया है, एकदम सिंपल सा है, इस टाइप में मैंने स्क्वायर नेक में इसे स्टिच किया है। बैक में इसकी हुक्स है, तो उसके बाद में नेक्स्ट साड़ी है। ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की है, काफ़ी सालों पहले गिफ्ट की थी। इसका कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन गिफ्ट किया है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो वो ये साड़ी है, इसकी जो लेस का कलर है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर भी मैंने इसे यूज़ किया है दो तीन बार, चार पाँच साल पहले पुरानी कुछ साड़ी है ये, तो इसे मैंने हार्डली दो या तीन बार यूज़ किया है। इसकी प्राइस थी 2500 रुपीज़, पता नहीं कैसे वो लेके आ गया है ये, मे भी मुझ पर अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे ये लेस पसंद नहीं है। तो ये ऐसी साड़ी है, तो ये भी सेम है पूरी अंदर से, इसी टाइप के इसमें बॉबी प्रिंट बने हुए हैं, और ये सिल्वर लगा है आजू बाजू से। और इसका भी जो ब्लाउज है वो एकदम सिंपल है, इसके भी मैंने आगे से हुक रखे हैं इस टाइप में, और ये बैक नेक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा राउंड शेप ही सिलना पसंद करती हूँ, मुझे राउंड शेप ज़्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद में जो साड़ी है वो है मेरे एंगेजमेंट की साड़ी, तो ये जो है ये मेरे सिस्टर इन लॉ के पसंद की है, उन्होंने चॉइस की थी मेरे लिए साड़ी। तो ये इस टाइप में है, एंगेजमेंट में कहते हैं पिंक कलर की साड़ी चाहिए होती है, तो इस टाइप में है ये साड़ी। तो इसका पल्लू जो है वो इस टाइप में है, इसमें से बड़े बड़े से पैचेस लगे हुए हैं, और सेम ऐसा ही इसका जो प्लीट्स एरिया है वो है, प्लीट्स एरिया में भी एक छोटे छोटे से ऐसे पैचेस लगे हुए हैं। सिलाई उखड़ गई है मेरी लेस की, इसे सिलवाना पड़ेगा। और इसका भी जो ब्लाउज है वो एकदम सिंपल सा सिया है मैंने, मोस्ट ऑफ में ब्लाउज के मेरे जो नेक होते हैं वो एकदम सिंपल राउंड होते हैं, मुझे राउंड नेक्स बहुत पसंद आते हैं। इसकी भी मैंने आगे से बटन्स हुक्स लगे हैं, ये इसका बैक साइड है इस टाइप में है। उसके बाद में फिर अगेन एक साड़ी आती है जो मुझे मेरे मॉम ने गिफ्ट की थी, वो ये है। ये काफ़ी साल पहले ली थी उन्होंने, मे बी 7-8 साल पहले की साड़ी है ये, मैंने इसे कभी नहीं पहना है, बस मैंने ऐसे ही रखा है इसे, क्योंकि मेरे मॉम ने गिफ्ट किया था, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, सबसे पहली साड़ी थी जब मेरे मॉम ने मुझे गिफ्ट की थी, तो तब से मैंने इसे ऐसे ही संभाल के रखी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के,
ये साड़ी पूरी एक सेम ही है, इस टाइप में है, ये काफी हेवी है, ये पार्टीज में वगैरह अच्छी लगती है लेकिन मैंने कभी इसे यूज नहीं की है। इस टाइप में है ये साड़ी, पूरी साड़ी है, सेम है, प्लीट्स एरिया, पल्लू, ये सब इसका सेम है। उसके बाद में ये इसका ब्लाउज है, ये भी एकदम सिंपल है। उसके बाद में जो साड़ी है फिर से वो मेरे मॉम ने गिफ्ट की है, जब शादी के पहले जब हमारी पहली दिवाली आई थी तब मेरे मॉम ने एक मुझे साड़ी गिफ्ट की थी, वो थी ये वाली, पर्पल कलर में है। इस पैटर्न में है, ये 4200 समथिंग थी ये साड़ी। तो इसका भी पल्लू मैं दिखा देती हूँ, इस टाइप में है, इस टाइप में है ये साड़ी। और प्लेट्स एरिया में भी इसके छोटे छोटे पैचेस लगे हुए हैं लेस के साथ में। और इसका जो ब्लाउज है ये प्रिंस कट वाला है, प्रिंसेस लाइन वाला जो बोलते हैं, प्रिंसेस कट वाला जो बोलते हैं वही। और इसके जो हुक्स है वो मैंने आगे से रखे हैं। इस टाइप में है ये, उसके बाद में एक सबसे लास्ट साड़ी आती है, वो है मेरी विदाई की साड़ी है। तो ये मुझे मेरे इन-लॉज की तरफ से मिली थी विदाई के लिए, तो ये मैंने मे भी कभी पहना है, हाँ जब मेरे यहाँ पूजा था उस व्लॉग में मे भी मैंने ये साड़ी पहनी थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो काफ़ी अच्छी साड़ी है, ये भी दो कलर में है, यहाँ पे इस कलर में है ये और अंदर से ब्लू कलर में है। ये पूरा प्लिट्स एरिया है इसका, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये इस टाइप में है इसका पल्लू, मुझे काफ़ी पसंद है ये साड़ी, मैं काफ़ी बार इसे पहनती हूँ, कई फंक्शन हो या घर में कुछ पूजा हो तो मैं काफ़ी बार इसे पहन लेती हूँ। और जो प्लीट्स एरिया है वो इस तरह से है, ब्लू में इस तरह से है, पूरे प्लीट्स एरिया में इसके पैचेस लगे हुए हैं, तो इस तरह से है। और इसका ब्लाउज जो है वो मैंने 3/4 स्लीव में स्टिच किया था, ये रहा सिंपल सा है, लेकिन इसके जो स्लीव्स है वो मैंने 3/4 में स्टिच किए थे इस टाइप में। तो बस ये थी मेरी पार्टी वियर साड़ियाँ। तो इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो पैठनी साड़ी वाले वीडियो, पैठनी साड़ियों के हॉल वाला वीडियो आएगा, मेरे पास जो भी पैठनी साड़ीज का कलेक्शन है मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद में एक सिंपल साड़ी वाला वीडियो बनाऊंगी। तो बस ऐसे 3 स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक स्टेप में बहुत बड़ा हो गया होता, खोल के भी दिखानी पड़ती है साड़ियाँ, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा इस वजह से। तो बस यही था एक छोटा सा कलेक्शन मेरे सारे पार्टी वेयर साड़ियों का। तो होप यू गाइज लाइक इट, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक दे दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे साड़ीज का कलेक्शन कैसा लगा है। तो मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।